दोस्तों कुछ खट्टा हो जाए का ट्रेलर आ चुका है, जो कि अगर मैं एक वर्ड में कहूं तो मेरे को लगा फर्राटेदार, मजेदार, दोस्तों मजा आ गया। अब अगर हम ट्रेलर के बारे में बात करें तो उसके नाम से चलता है कि कुछ खट्टा हो जाए। खट्टा हो जाए मतलब कुछ, समझ रहे हो, समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, तो वैसे ही कुछ इसके अंदर भी होने वाला है। तो इसके अंदर हमारे जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है गुरु रंधावा साहब, ने इसका मेन कैरेक्टर जो है वो निभाया है, और जो जो इसकी हीरोइन होने वाली है वो होने वाली है साई मांजेकर। इन दोनों ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी है ऐसा लग रहा है मूवी के अंदर। जो गुरु रंधावा जी है वो तो स्टार्टिंग से ही यार बंदा बिल्कुल नीचे से उठ के इतना ऊपर आया, तो वो तो उसका लग ही है उसकी पहली मूवी, डेब्यू मूवी है, उसने बहुत ज्यादा अच्छा रोल किया है मूवी के अंदर। साई मांजेकर जी का भी बिल्कुल ठीक ठाक रोल था, इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन ठीक ठाक रोल तो था उनका, अच्छा खासा एक रोमांटिक रोल उन्होंने किया, आज तक भी अच्छे रोल करते आई है। वो इनके जो आसपास कैरेक्टर होने वाले हैं वो भी काफी मजेदार होने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें ट्रेलर के बारे में, ट्रेलर में क्या दिखाया गया है कि इसके ऊपर सारे घर वालों की बहुत अपेक्षाएं होती है कि लौंडा कुछ करेगा, लेकिन ये एक नंबर का आलसी आदमी होता है, इसको उनकी अपेक्षाओं से 5% भी मतलब नहीं है, ना कोई फर्क पड़ता, इसको सिर्फ करना है प्यार 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 प्यार। जो लौंडे होते हैं वो होते ही पागल है भाई, वो लड़की के चक्कर में सारा काम धंधा भूल जाते हैं, और वही यार गलती ये लौंडा भी करता है। लेकिन जो लड़की होती है वो प्यार भी करती है और काम को भी साथ साथ लेके चलती है, मूवी में भी और असलियत में भी। पता नहीं कैसे इतनी कॉपरेट रह लेती है लड़कियां, मुझे समझ नहीं आता इतना ध्यान क्या दे लेती है, हमें क्या, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे बारे में बात करें तो भाई लिटरली लड़की बहुत वो होती है, वो कलेक्टर बनना चाहती होती है, और वो उस लड़की को समझाती भी है कि अगर तुम उससे प्यार जितना करता होता तो अगर तू ध्यान आईएएस बनने में लगा लेता तो आईएएस बन चुका होता, लेकिन भाई को तो प्यार करना है ना, भाई कहां का आईएएस बनेगा। लेकिन उसके बाद जो लड़की होती है उसकी माँ चाहती है कि बेटी की शादी हो जाए, और जो लड़का होता है उसका दादा चाहता है कि मेरे को एक पोता मिल जाए, मो चिराग मिल जाए, तो वो ही दोनों उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर देते हैं और शादी कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। भाई मुझे बस समझ नहीं आई, लौंडे के पास जब पैसा नहीं है, घर वाले अपेक्षा कर रहे हैं कि वो कलेक्टर बनेगा और वो नहीं बन रहा, तो इतना पैसा कहां से आ रहा है जो इतनी अच्छी शादी कर लेते हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है। मूवी में कई बार लॉजिक बिल्कुल भूल जाते हैं लोग, बिल्कुल ही भूल जाते हैं, और लॉजिक को भूलते हुए अगर हम लोग आगे चले तो मूवी जो है इसके अंदर 3 महीने बाद दिखाना शुरू कर देते हैं कि उनको उल्टियां हो रही हैं, उन्हें चक्कर आ रहे हैं, और भी बहुत कुछ हो रहा है जो कि प्रेगनेंसी के इफेक्ट्स होते हैं, हाँ इफेक्ट्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स दिखाते हैं। लेकिन कहानी तब मोड़ ले देती है जब डॉक्टर कहता है कि बच्चा कहाँ है, बच्चे का टेस्ट होता है वो कर रहा होता है डॉक्टर बोलती है कि बच्चा कहाँ है, वो एकदम से ऐसा शॉकिंग मोड था कि ये क्या हुआ, कुछ समझे आप लोग, मैं तो नहीं समझा दोस्तों, बिल्कुल समझ नहीं आया कि इसके अंदर इन्होंने किया क्या है। और उसके बाद फट जो हर ट्रेलर के अंदर एंड में शॉर्ट्स आते हैं उसमें कुछ इनकी लड़ाई हो जाती है, लड़की को लेकर चले जाते हैं, और बीच में लड़का कुछ रेडियो पे बैठा होता है, तो मूवी का नाम तभी आया होने वाला है ये कुछ खट्टा हो जाए। तो देखने वाली बात होगी कि एंड में लोग क्या करते हैं, लड़की कलेक्टर बन पाएगी नहीं बन पाएगी, लड़का जो है हमारा रंधावा साहब वो कुछ अच्छा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और मैंने सुना है कि ये जो मूवी के डायरेक्टर है वो एक बॉलीवुड और एक टॉलीवुड के डायरेक्टर मिलके बनने वाले हैं, कॉमेडी मूवी होने वाली है। आप ये कॉमेडी ऐसी होने वाली है कि आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो, फैमिली ड्रामा होने वाली है, काफी टाइम बाद कोई फैमिली ड्रामा कॉमेडी मूवी आ रही है जो कि आप फैमिली के साथ अच्छे देख सकते हो। तो अभी तक मासी मूवी ही चल रही थी, ए रेटेड मूवी चल रही थी जो आप फैमिली के साथ नहीं देख पा रहे थे। मैं चाह के भी अपने फैमिली वालों को एक बार ये नहीं कह पाया कि चलो मेरे साथ सलार देखे चलो या मेरे साथ एनिमल देखे चलो, क्योंकि उन्हें दिखाऊंगा तो मुझे पता है मैंने ही जूते खाने हैं, और मैं जूते खाने का मन आजकल बंद कर दिया है, जूते नहीं खाता मैं सिर्फ प्यार की बातें बोलता हूँ। तो दोस्तों ये वाला रिव्यू यहीं पे खत्म करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आप लोग 16 फरवरी को कुछ खट्टा हो जाए के साथ। 16 फरवरी को थिएटर में आने वाली है मूवी, तो अभी के लिए रिव्यू यहीं पे खत्म करते हैं, टाटा मेरे दोस्तों।